हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। 10 जुलाई 2020, तो यूनाइटेड किंगडम के जो डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड है, तो उन्होंने 2019-20 का जो यूनाइटेड किंगडम के अंडर कितने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुए उसके जो प्रोजेक्ट लिस्ट जो है जारी की थी। तो इसमें अलग अलग देशों ने जो यूनाइटेड किंगडम्स के ऊपर अलग अलग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किए हैं, तो इसमें देखिए भारत की जो रैंकिंग सेकंड पे आ गई है, यानी कि यूनाइटेड किंगडम के अंदर भारत ने सेकंड लार्जेस्ट जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की है। तो देखिए, किसी भी दो देशों के बीच में अगर इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स के हम लोग बात करेंगे, तो डेफिनेटली यहाँ पे हिस्ट्रिकल रिलेशनशिप के अलावा यहाँ पे कल्चरल रिलेशनशिप्स है। देन यहाँ पे अगर बात करेंगे जो सिविल रिलेशनशिप्स होती है दोनों देशों के बीच में, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है दो देशों के बीच में जो आपसी ट्रेड, यानी कि जो म्यूचुअल ट्रेड होती है दोनों देशों के बीच में, तो उसके हिसाब से बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो यहां पे हम भारत और यहां पे यूनाइटेड किंगडम जो है इसके जो इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में डिस्कस करेंगे। 2019 जो साल है उसमें अलग अलग देशों में कितने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुई है उसका एक एनालिसिस करेंगे। भारत की जो इंटरनेशनल एक्सपोर्ट है या फिर इंपोर्ट होती है इसके बारे में डिस्कस करेंगे यहां पे, और यूनाइटेड किंगडम के साथ इंडिया की एक्सपोर्ट कैसी हो रही है उसका एक ट्रेंड के बारे में भी एनालिसिस करेंगे। तो बहुत कुछ चीज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो अभी आप लोग हमारे वेबसाइट से जो है करंट अफेयर्स का जो पीडीएफ, यानी कि जो मार्च अप्रैल और मई महीने का जो करंट अफेयर्स का पीडीएफ है उसको डाउनलोड कर सकते हैं बहुत ही एक कम प्राइस में। तो यहाँ पे पूरे महीने का जो करंट अफेयर्स का उसका एनालिसिस हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसको आप लोग खरीद सकते हैं। तो नीचे उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, और इस वीडियो के जो नोट है आपको आज शाम तक हमारी वेबसाइट में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो 10 जुलाई 2020 को यूनाइटेड किंगडम के जो डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, तो हर गवर्नमेंट के यहाँ पे अलग अलग मिनिस्ट्री के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो सेम चीज यूके में भी है। यहाँ पे डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल ट्रेड ने जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल ईयर 2019-20 का ये जो रिपोर्ट उन्होंने रिलीज किया है, तो उसमें देखिए कि यूनाइटेड किंगडम के अंदर अलग अलग देशों ने जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करती है, ऐसे भारत में भी अलग अलग देश करती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो यूनाइटेड किंगडम के अंदर जिन देशों ने इन्वेस्टमेंट की है उनमें भारत का रैंकिंग दूसरा है। तो देखिए, जो देश ने हमारे ऊपर लगभग 200 साल तक राज किया था, आज उस देश में हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो यहां पे बहुत ही एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। अगर बात करेंगे हम 2019-20 का जो टोटल, अगर हम लोग जो अलग अलग देशों में जितने भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है, इंडिया में होती है, यहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यूएसए में होती है, चाइना, ब्राजील, यूके, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, अलग अलग देशों में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है। तो यहाँ पे देखिए 2019 और 18 और 19 जो फाइनेंशियल, क्योंकि 2020 तो अभी चल रही है, तो यहाँ पे 2019 में अलग अलग देशों के जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है आप देख सकते हैं। यूएसए में जो 2018 में, ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हैं ये 2018 का है, 2018 में लगभग $254 बिलियन की इन्वेस्टमेंट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर हुआ था, और ये 2019 में जो है $251 बिलियन। तो यूएसए नंबर वन पे है, सेकंड रैंकिंग पे है चाइना, थर्ड पे सिंगापुर, फोर्थ ब्राजील, यूनाइटेड किंगडम जो है यहाँ पे जो है फिफ्थ पोजीशन में है। हांगकांग और चाइना को एक ही साथ यहाँ पे कैलकुलेट किया गया है, तो यहाँ पे देखिए हांगकांग की जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है उसके हिसाब से थोड़ी सी यहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट कम हो गई है। इंडिया जो है यहाँ पे 8वें नंबर पे है, तो यहाँ पे इंडिया में देख सकते हैं 2018 में जितना भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ था 2019 में थोड़ी बढ़ी है, यानी कि $49 बिलियन इंडिया में इन्वेस्टमेंट हुई है, तो इसका एक अंदाजा आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ने जो भी मेन पॉइंट्स मेंशन किए हैं उसको एनालाइज करते हैं हम। तो देखिए, भारत ने टोटल यूके में 120 प्रोजेक्ट्स जो हो इन्वेस्टमेंट किए थे, और इसके हिसाब से 120 प्रोजेक्ट्स में से लगभग 5
1429 जॉब्स यूके में जनरेट हुई थी। और यहां पे अगर बात करेंगे, भारत जो दूसरे नंबर पे है, फर्स्ट नंबर पे है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यहां पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने 462 प्रोजेक्ट्स जो है यूके में इन्वेस्ट किए थे, उसमें लगभग 20,000 से भी ज्यादा जॉब्स यूके में जनरेट हुई थी। तो यहां पे जाहिर है भारत सेकंड रैंकिंग पे है, तो थर्ड फोर्थ भी होता है। तो जर्मनी यहां पे थर्ड पोजीशन में है इन्वेस्टमेंट इन यूके, फ्रांस जो है फोर्थ पोजीशन पे है, और चाइना यहाँ पे जो फिफ्थ पोजीशन में है, और नेक्स्ट हांगकांग जो है सिक्स पोजीशन में है। और अगर हम लोग एक कंपैरिजन करेंगे 2018-19, तो 2019-20 में भारत जो है सेकंड रैंकिंग पे था, और लेकिन 2018-19 में भारत जो है थर्ड रैंकिंग पे था उस टाइम। तो अभी एक पायदान ऊपर चली गई है। तो उस टाइम भारत ने 2018-19 के जो फाइनेंशियल ईयर में 106 प्रोजेक्ट यूके में इन्वेस्ट किए थे, और उस टाइम लगभग 4,858 जॉब्स यूके में जनरेट की थी। और उस टाइम जो है 2018-19 में सेकंड रैंकिंग पे जो थी जर्मनी, इंडिया थर्ड पे थी, और फर्स्ट में यूएसए थी। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा एनालाइज करेंगे इंडिया की जो एक्सपोर्ट पार्टनर्स और इंपोर्ट पार्टनर्स। तो यहाँ पे ये जो लिस्ट है इंडिया की 2019-20 यानी कि 2019-20 का जो फाइनेंशियल ईयर, ये 2019-20 का फाइनेंशियल ईयर में है। तो देखिए भारत कितना एक्सपोर्ट करता है, उसका टोटल का अगर हम लोग हिसाब करेंगे तो भारत पूरे दुनिया के अलग अलग देशों में जितने भी एक्सपोर्ट करता है उनमें लगभग 17% के आसपास यूएसए को ही एक्सपोर्ट करता है। और यूएसए से एक्सपोर्ट करके इंडिया को कितना मिलता है, टोटल 52.4 बिलियन यूएस डॉलर। सेकंड इंडिया पे, इंडिया जो करती है यूएई पे करती है, थर्ड जो है चाइना के साथ करती है, हांगकांग के साथ फोर्थ करती है, और यूके जो है यूके के साथ लगभग 2019-20 का जो फाइनेंशियल ईयर लगभग 7.4 बिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट इंडिया ने किया था, जिसका टोटल शेयर जो है लगभग 2.8%। अगर इंपोर्ट के मामले में तो हम लोग चाइना से बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, पूरे दुनिया के अलग अलग देशों से जितने इंपोर्ट करते हैं उनमें से लगभग 14.3% भारत जो है चाइना से ही इंपोर्ट करते हैं, जिसका कुल राशि जो है लगभग 57.9 बिलियन यूएस डॉलर। सेकंड हम लोग करते हैं यूएसए से, लेकिन यूएसए से इंडिया के पास एक ट्रेड सरप्लस भी है, मतलब इंडिया यूएसए से इंपोर्ट जितना करता है एक्सपोर्ट ज्यादा करता है, लेकिन यही चीज जो है चाइना के साथ उल्टा है। देन यूएई से इंडिया लगभग 25.8 बिलियन यूएस डॉलर करती है। यहाँ पे सऊदी अरबिया, इराक, यहाँ से इंडिया जो है मोस्ट ऑफ द जो ऑयल रिसोर्सेज जो है इंडिया खरीदती है। थोड़ा सा अगर यहाँ पे हम लोग नजर डालेंगे, ये जो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया 2019-20 फाइनेंशियल ईयर का, तो लेकिन 2019 का जो कैलेंडर है उसमें भारत ने यूके को टोटल जो है 8.8 बिलियन यूएस डॉलर का जो एक्सपोर्ट किया था। तो यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस के जो कॉम ट्रेड डेटाबेस ऑन इंटरनेशनल ट्रेड, तो यहाँ पे एक ट्रेंड दिखाया गया है कि भारत ने यूके को कितना एक्सपोर्ट किया है, उसका एक ट्रेंड आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे काफी अप्स एंड डाउन से, यहाँ पे 2010 में काफी कम हुई थी एक्सपोर्ट, और 2017 में कम हुई थी, उसके बाद जो है ग्रेजुअली यहाँ पे कम होती गई, अभी फिर से ये बढ़ी है। तो 2019 में भारत ने यूके को लगभग 8.8 बिलियन यूएस डॉलर जो है जो उतना एक्सपोर्ट यूके को किया था। तो इससे एक ट्रेंड जो है आप लोग एक समझ सकते हैं, यहाँ से ये जो बार डायग्राम दिखाया गया है एक आइडिया आप लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। तो अगर अंदाजा लगाएंगे कि भारत जो यूके को एक्सपोर्ट करती है, मेन इसमें कौन सी जो चीजें होती है काफी इंपॉर्टेंट होती है, तो मशीनरी एंड न्यूक्लियर रिएक्टर्स अगर बात करेंगे, इनमें से ही भारत जो है लगभग 1.09 बिलियन यूएस डॉलर इंडिया जो एक्सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे जो क्रॉच्ड और नॉट नीड जो मटेरियल्स होती है उनमें से लगभग 834 मिलियन यूएस डॉलर जो यूके को एक्सपोर्ट करती है। अलग अलग यहाँ पे पर्ल्स हो, प्रेसियस स्टोन्स हो, यहाँ पे लगभग 525 मिलियन यूएस डॉलर एक्सपोर्ट करते हैं। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हो, यहाँ पे फुटवेयर हो, देन यहाँ पे इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट काफी यहाँ पे एक्सपोर्ट करती है भारत। देन यहाँ पे अगर बात करेंगे जो व्हीकल्स हो, अलग ट्रेन से रिलेटेड या ट्रैम से रिलेटेड, उनको यहाँ पे एक्सपोर्ट करती है भारत। आर्टिकल्स जो यहाँ पे जो स्टील से रिलेटेड हो, देन यहाँ पे टेक्सटाइल्स हो, यहाँ पे जो वॉर्न क्लॉथिंग हो, काफी ज्यादा यूके को भारत एक्सपोर्ट करती है। तो यहाँ पे इसके जरिए हम लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत और यूके के बीच में जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसका पैटर्न क्या है। जितना इंडिया जो है यूके को एक्सपोर्ट करती है उसमें से उससे ज्यादा इंपोर्ट करती है, कम इंपोर्ट करती है, यानी कि इंडिया और यूके का जो ट्रेड रिलेशन, ये जो है ट्रेड सरप्लस में इंडिया के
फेवर में, ट्रेड सरप्लस है यहाँ पे, और यूके जो है काफी सारे चीजों के लिए इंडिया के ऊपर डिपेंड है, तो यही एक फैक्टर है भारत जो है अभी मेन जो है यूके के ऊपर इन्वेस्ट कर रही है। तो यहाँ पे इसके हिसाब से दोनों ही देशों की आपसी यहाँ पे जो है रिलेशंस, यहाँ पे जो बिजनेस रिलेशंस यहाँ पे मजबूत होती है। देन यहाँ पे नेक्स्ट चीज क्या होती है कि यूके की एक डिपेंडेबिलिटी इंडिया की एक तरफ बढ़ती है। तो यहाँ पे देखिए इंडिया जो है इसके हिसाब से ज्यादा ऐसे प्रोडक्ट्स यहाँ पे जो है मैन्युफैक्चर करने की कोशिश करेगा कि यहाँ पे यूके में जो मार्केट है उसको इंडिया खोना नहीं चाहेगी, उसको और भी अपग्रेड करने की कोशिश करेगी। तो इसके हिसाब से इंडिया में क्या होगी, ऐसे जो मार्केट जो यहाँ पे इंडिया जो मैन्युफैक्चर करने के लिए अलग अलग यहाँ पे जो है एमएसएमई सेक्टर्स हो या फिर कंपनीज यहाँ पे डेवलप होगी, तो यहाँ पे आत्मनिर्भर भारत अभियान जो हम लोगों ने बात की थी, तो इसके हिसाब से काफी चीजें जो होती है इंडिया में मैन्युफैक्चर होने लगेगी। तो ये देश के लिए एक शुभ संकेत है। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग जो डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ने यूके का जो रिपोर्ट रिलीज किया था, जिसमें भारत जो है सेकेंड रैंकिंग पे है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट यूके में। तो आशा करते हैं इससे आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा, और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, उसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है, और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए स्टडी राइज, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।